उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का दौरा चल रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी उजागर होने लगी है। जो कहती है वो करती नहीं है। देश के सबसे बड़े दावे हैं भ्रष्टाचार को मिटाएंगे और सभी की सुरक्षा करेंगे, लेकिन अब भाजपा के क्षेत्रीय नेता के बच्चे की मौत चिकित्सक और स्टाफ नर्सों की लापरवाही से हो गई, जिसके बाद पीड़ित न्याय के लिए जनपद के अधिकारियों जनप्रतिनिधियों के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक अपनी फरियाद लगा चुका है। यहां तक सत्ता दल के चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा विधानसभा में नियम 51 तहत सवाल भी उठ चुके हैं, फिर भी पीड़ित को एक साल बाद भी न्याय नहीं मिल सका, जिसके बाद पीड़ित ने प्रदेश के राज्यपाल को शपथ पत्र भेजकर चेतावनी दी कि वो बागरमऊ विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री जनसभा में आमरण अनशन पर बैठेंगे। वहीं इसकी जानकारी जब आला अधिकारियों को हुई तो भाजपा ओबीसी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष को पुलिस से नजरबंद कर दिया और रात में ही पुलिस भाजपा नेता को घर से गिरफ्तार कर कोतवाली ले आई। सरकार के आदेशों पर प्रशासन द्वारा की गई यह कार्रवाई, जो मुझे आधी रात को मेरे ससुराल से मुझे उठा लेते हैं पुलिसकर्मी और मुझे हसनगंज थाने में लाकर बैठा देते हैं कि मैं अपनी कोई बात और या आवाज़ उठा न सकूं, जिससे मुझे बहुत ही घात पहुंचा है, मेरे आत्मसम्मान को भी हानि हुई है, जिससे विवश होकर या क्रोधपूर्वक मैं प्रातःकाल अभी से हसनगंज थाने के अंदर आमरण अनशन प्रारंभ करता हूँ। इस पर अगर प्रशासन सरकार जो भी धारा लगाना चाहे, मुकदमा लगाना चाहे, उसके लिए वो स्वतंत्र है, लेकिन अब मेरा यह अटल है, लाए थे अपनी मर्जी से, अब मैं जाऊँगा अपनी मर्जी से। जब तक न्याय नहीं मिल जाता मैं ना ही जल पीऊँगा और ना ही अन्न खाऊँगा और यहीं रहूँगा। आपको बता दें कि भाजपा नेता दुर्गेश राठौर हसनगंज तहसील से पिछड़ा वर्ग के मंडल अध्यक्ष और लोकसभा के दौरान विधानसभा के प्रभारी भी बनाए गए हैं। गौरतलब है कि 9 जून 2019 को बीजेपी नेता की पत्नी की डिलीवरी सीएसटी नवाबगंज में हुई थी। आरोप है कि महिला चिकित्सक और स्टाफ नर्स की घोर लापरवाही के चलते जच्चा बच्चा की हालत बहुत बिगड़ गई। हालांकि अन्य चिकित्सकों की सहायता से प्रसव पीड़ित महिला की हालत में सुधार आ गया था, लेकिन नवजात के इलाज के दौरान मौत हो गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए उन्नाव से विशाल चौहान की रिपोर्ट।